एम्पियर ले रहा है वो 1 एम्पियर ले रहा है, और इसमें गैस R410A है यार। इसका ना कंडेंसर लीक कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। और ये है ना इन्वर्टर एसी, आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इको इन्वर्टर एसी। फाइनली हमने इसने कंडेंसर फिट कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे एक पेच है, इसमें गैस डाल रहे दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे। वेलकम टू माई न्यू वीडियो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आया हुआ हूँ दो एक स्प्लिट दो विंडो एसी का सर्विस करने के लिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो यहाँ पे ये पूरा टूल भैया हमारा विंडो एसी, इसकी सर्विस करना है। ये 1 टन से भी कम वाला एसी, बहुत ही छोटा एसी, ठीक है, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा ये देखो ये स्प्लिट एसी शार्प कंपनी का, तो इसको भी करना है। लास्ट बड़ी कोई टेक्नीशियन आया था, वो बोला कि कूलिंग कॉइल चेंज होगा इस वाले एसी के इंडोर का, ठीक है। तो ये कस्टमर ने मुझे बुलाया है किसी से नंबर लेकर के, ठीक है। वो मैं दिल्ली में आया हूँ, दिल्ली का पटपड़गंज इलाका है ये, तो घर से काफ़ी दूर आया हूँ मैं काम करने के लिए। और इधर ये इधर पूरा रेलवे स्टेशन है, पूरा मतलब रेल का पटरी है, तो यहाँ से ट्रेन भी जाता है, तो ट्रेन भी दिखाऊंगा सभी को, ठीक है। वीडियो में बने रहो लास्ट तक। तो देखिएगा जी, ये वाला पंखा चल रहा है इसमें आउटडोर का, इसमें एम्पियर ले रहा है वो 1 एम्पियर ले रहा है। और इसका मैंने ये नट वट भी खोल रखा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने नट खोला है, तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे बंद नहीं है, खुला हुआ है। और इसमें गैस R410A है ना, R410A गैस है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये एम्पियर एक ले रहा है, यानी गैस लीक कीजिए इसमें। तो इसमें मुझे गैस रिफिलिंग करना पड़ेगा। डिस्चार्ज भी इसका ठंडा नहीं हो रहा है, जो पाइप है ना ठंडा होना चाहिए था, और ये ठंडा नहीं हो रहा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका लीकेज वगैरह ढूंढते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये शार्प कंपनी का इंडोर यूनिट है, और इसको खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि इसका जो इंडोर यूनिट है वो टुकड़ों में खुलता है, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा करके खुलता है। तो कैसे खोलना, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर जो ड्रेन कवर हटाया, क्यों हटाया ड्रेन कवर यहाँ पर से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक पेच होता है, ठीक है। ये पेच को खोलने के बाद देखो, यहाँ पे पेच दिख रहा होगा, इसको खोलने के बाद ये वाला प्लास्टिक निकलेगा, वरना अगर आप जबरदस्ती खींचोगे ना प्लास्टिक टूट जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो प्लास्टिक भी हम निकाल लिया यहाँ से। अब दोस्तों हम प्रेशर डालेंगे आउटडोर में, फिर इसका लीकेज वगैरह चेक करेंगे, बाकी इंडोर वगैरह देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा कवर वगैरह कितना कुछ इसमें, देखो देखो ये दो चीज़ हुआ, एक ये हुआ, फिर एक देखो यहाँ पे ये वाला टुकड़ा हो गया। तो यही पूरा सामान है टोटल यहाँ पे, इतना कुछ है, पर लगाने का तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम इसमें प्रेशर डाल रहे हैं लीकेज चेक करने के लिए। तो कंप्रेसर ऑन है, यहाँ पे देखिए कि 200 PSI से ज़्यादा प्रेशर चला जा चुका है, 300 लगभग मैं डालूंगा, तो 300 जाने वाला है। पूरा ये कवर वगैरह खुला हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो मुझे लीकेज देखना है, ये एल्यूमिनियम कंडेंसर है यार, तो ज़्यादा चांसेस इसमें भी हो सकता है लीकेज, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ना वहाँ वहाँ मैं इसको चेक करने वाला हूँ। बाकी कभी कभी यहाँ पे भी ना रगड़ाने की वजह से ना क्या होता है, लीकेज हो जाता है, पर यहाँ पे भी देख लेना, पर यहाँ पे मुझे लीकेज नहीं लग रहा है। इसका हम लीकेज ढूंढ लेते हैं, तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ वहाँ हम ढूंढ लेंगे लीकेज। सबसे पहले तो वायर को साइड कर देता हूँ यार, तो लीकेज ढूंढ के मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यार इसका ना कंडेंसर लीकेज है, ठीक है। तो ये कंडेंसर ना इधर है, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जाली जो है ना ये एल्युमिनियम का है, तो ये लीकेज है, मैंने कस्टमर को भी दिखाया है कि लीकेज है। तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। और ये है ना इन्वर्टर एसी, आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इको इन्वर्टर एसी। तो देखते हैं इसको कैसे बदलना चाहिए। और इसके अलावा ये वाल्व भी मुझे बदलना पड़ेगा, ये वाल्व भी लीकेज है। सबसे पहले मैं मार्केट से ये कंडेंसर लेके आता हूँ, इसको लेके जाऊँगा साथ में। लेकिन इस कंडेंसर को निकालने के लिए ना एक तो हम यहाँ से खोलेंगे, ठीक है, बस। इसके अलावा देखो यहाँ पर डायरेक्ट आया है, फिर यहाँ पे एक जॉइंट है, तो यहाँ पे जॉइंट खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको, यहाँ से खोल लिया है, इसको भी यहाँ से खोल लिया है ना। अब यहाँ पे देखो कि इसको निकला हुआ है ना, अब इस कंडेंसर को निकाल लेंगे हम। तो चलिए अब यहाँ से हम कंडेंसर निकाल लेते हैं, हमने वो टाँका वगैरह जो भी था हमने हटा दिया है। तो अब देखो यहाँ से हम उठा लेंगे इसको। तो दोस्तों ये जाली को रिपेयर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रिपेयर करके फिर भी नहीं चलता है, क्योंकि लीकेज हो जाता है बहुत ज़्यादा आसानी से, और जल्दी ये रिपेयरिंग भी नहीं होता, ठीक है। मार्केट में ले जाकर के कहीं पे रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा इसको, अगर करवाना भी हो तो। तो चलिए इसको हम हटा लेते हैं, एक पेज खोलना पड़ रहा है मुझे साइड से, तो साइड से पेज खोल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ से हमने एक कंडेंसर निकाल लिया है,
अब मार्केट से हम इसको खरीद के लाएंगे, ठीक है। इसका रेट वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, कुछ लोग बोलते भैया रेट बता देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया रेट नहीं ठीक है बताना दोस्तों, चाहिए। टेप मार लेंगे इसे, इस पे टेप मार लेना, इस पे टेप मार लेना, ताकि इसके अंदर कुछ घुस ना जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पे खुला हुआ पाइप है उसे हम चलिए टेप कर सबसे लेंगे, पहले वरना हम कीड़ा यहाँ पे मकोड़ा टेप घुस सकता है उसके अंदर, तो क्या होगा कि भाई फिर बाद में ब्लॉक हो सकता है कैपिलरी वगैरह, समझ गए दोस्तों। तो मैं इस पर पैकिंग टेप लगा दूंगा, तो देखिए पैकिंग टेप लेके आ गया मैं, तो ये इसमें दोस्तों मैं एक टेपिंग घंटा कर के दूंगा। अंदर क्यों करूँगा पैकिंग टेप, ये सब क्योंकि आप लोग चीज़ें आ जानते हैं जाएगी कि भाई दोस्तों, कुछ भी जाना नहीं चाहिए इसके अंदर, कीड़ा वगैरह तो घुस ही सकता है, तो बंद कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे एक और नीचे वाला बाकी है, तो नीचे वाले में भी हम टेपिंग कर देंगे। ये गर्म है थोड़ा, तो इसको हम पानी से थोड़ा मैं ठंडा कर लूँगा, गर्म है वरना क्या होगा पैकिंग टेप ना पिघल जाएगा उसके ऊपर। तो देखिए ऊपर मैंने टेपिंग कर दिया है, अब नीचे में थोड़ा पानी डाल लेता हूँ, पानी डाल करके हम इसको ठंडा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस पर टेपिंग कर लेते हैं, और यहाँ से हम टेप कर हमने लिए एक हैं। कंडेंसर देखिए यहाँ पे फिट कर दिया है ना। अब ये ज्वाइंट है इसमें लगाना है, और एक इसका इसमें लगाना है, इस वाले का इसमें लगाना है। तो इधर से भी दिखा देता हूँ एक बारी, ये देख सकते हो यहाँ पे जाली पूरा, यहाँ एक पेच लगा दिया हमने, पूरा फिट हो गया देखो यहाँ पे, है ना। तो चलिए इसका वेल्डिंग करके आप सभी को दिखाते हैं हम। फाइनली हमने इसमें कंडेंसर फिट कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे एक पेच लगा दिया हूँ, बाकी ऊपर भी अच्छे से आ गया है। और इधर दिखा देता हूँ इधर मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है, दूसरा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। वेल्डिंग भी कर दिया यहाँ पे, बाकी ये वाल चेंज कर दिया मैंने। अब इसमें प्रेशर डाल रहा हूँ कंप्रेसर से, देखते हैं कि अब इसमें लीकेज है कि नहीं, ठीक है। एंड में जब मैं रेडी करूँगा चलाऊँगा तभी भाई पूरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने कंडेंसर लगा दिया, मेरा नुकसान भी हो जाएगा तगड़ा यहाँ पे। तो देखिए गाइस मैंने जो कंडेंसर लगाया है वो कॉपर का लगाया है, और क्वार्टर में लगाया है, ठीक है, क्वार्टर में, 3/8 में नहीं है, और ये दो जाली वाला है, ठीक है, एक सिंगल जाली नहीं, दो जाली वाला है, तो थोड़ा ये महंगा भी है, तो आप लोग भी सेम दो जाली वाला ही लगाना। और इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये कंडेंसर हमने लगा दिया है, ठीक है। और इसमें ना डबल कोपर वाला मैंने कंडेंसर लगाया, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, आप प्रेशर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। बाकी विंडो एसी उधर वो रेडी हो रहा है वो देखो, और वीडियो को लाइक कर दें आप लोग भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विंडो एसी है यहाँ पे, और इसकी सर्विस वगैरह हो गया, अब इसमें हम कोटिंग कर रहे थे, तो देखिए कोटिंग हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, है कि नहीं। इसमें गैस जो भी लीकेज था हमने उसको रिपेयर वगैरह कर दिया है, कोटिंग कर देंगे हम, फिर इसमें गैस रिफिलिंग करके इसको हम लगा देंगे। बाकी मैं विंडो एसी का नहीं दिखा रहा हूँ, स्प्लिट एसी का ज़्यादा मैन है, तो मैं स्प्लिट एसी का ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। फाइनली ये हो गया है रेडी, देखो अभी मैं दिखाता हूँ चारों तरफ से, आप लोग देख लो। तो ये कंडेंसर जो था वो रिप्लेस हो गया है, देखो यहाँ पे, है ना। तो कैसा ये रिप्लेस हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखो यहाँ से पूरा परफेक्ट हो गया है कि नहीं। तो हमने लगा दिया ये कंडेंसर, और आप लोग जब भी कंडेंसर लगाए तो पंखा एक बार ज़रूर घुमा के देख ले यहाँ पर का। और मान लो फंसा रहेगा, आप आउट इंडोर चलाओगे तो आउटडोर पे करंट आएगा, तो आउटडोर चलेगा फिर क्या होगा कि पंखा टूट सकता है, ठीक है। तो ये कंडेंसर मैंने कैसा मतलब चेंज किया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, दिखा देता हूँ ये देखो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कि कैसा मैंने रिप्लेस किया है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, ठीक है। मैंने एसी को ना मैं कंप्रेसर से ही वैक्यूम कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पे तो कंप्रेसर से ही मैं वैक्यूम कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वैक्यूम पंप है नहीं यहाँ पे अभी। वो विंडो एसी रेडी हो चुका है, इसको बस कैबिनेट में अब लगाना है। अगर शार्प कंपनी का इंडोर खोलना हो सबसे पहले तो ये वाला कवर खोलिएगा, ठीक है, याद से पहले तो ये वाला कवर खोलिएगा, है ना, उसके बाद ये वाला कवर खोलिएगा, फिर जाकर के आगे का मैं बताया हूँ कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो मैंने पूरा कवर वगैरह सब कुछ लगा दिया है, यहाँ पे फिट कर दिया है, और खोलना हो या लगाना हो सेम वैसे ही होगा। तो देखिए इंडोर को ऑन कर दिया है, अब आउटडोर चलेगा तो हम गैस वहाँ पर रिफिल करने वाले हैं। इसमें गैस डाल रहे दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे, है ना, एम्पियर 3 ले रहा है यहाँ पे, ये 410 नंबर गैस है लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये एसी चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे कंडेंसर, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लगा दिया हमने। तो फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया दोस्तों, और R410A का बैक प्रेशर मैं डालूंगा 120 PSI, तो मैंने पूरा गैस डाल भी दिया है, लगभग पूरा डाल चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं कस्टमर से पैसा वगैरह लेकर के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप लोग भी इन्वर्टर एसी या कंडेंसर चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।